हेलो दोस्तों, मैं हूं शनाज और आपका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। तो गाइस, आज हम चल रहे हैं चिड़ियाघर, दिल्ली के चिड़ियाघर, नेशनल जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं इसे। तो यहां पर आपको आने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक कराना होगा जो 80 रुपीज़ का है। ऑफलाइन यहां पे अभी तक बंद है क्योंकि कोविड के दौरान इन्होंने बंद कर दिया था और अभी तक ओपन नहीं करा है ऑफलाइन, तो आपको ऑनलाइन ही बुक कराना होगा। तो गाइज, हमने ऑनलाइन टिकट बुक करा लिया है और अब हम एंट्री कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर लेडीज़ पर्स ले जाना अंदर अलाउड है और खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो गाइज, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सामने मैं एंट्री कर चुकी हूँ और सामने चिड़ियाघर है। तो हम अब अंदर चलेंगे और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर कौन कौन से जानवर मौजूद हैं। तो गाइज, आप अगर अपना बड़ा बैग लेकर आए हैं तो वो आपको बाहर ही जमा कराना होता है और उसके 5 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पर पैदल नहीं चल सकते ज़्यादा लंबा दूर तक, क्योंकि चिड़ियाघर बहुत बड़ा है और उसको पूरे को घूमने के लिए वाकई बहुत टाइम भी चाहिए। तो अगर आप पैदल नहीं घूमना चाहते तो यहाँ पे एक गाड़ी का भी अरेंजमेंट है जिसके चार्जेस हैं 75 रुपये फी बंदा, तो आप वो भी हायर कर सकते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट एंट्री करने के बाद जो मुझे नज़र आया है, ये डक्स नज़र आई हैं यहाँ पर फाउंटेन चलते हुए, डक्स उसमें नहाती हुई। यहाँ पर है ब्लैक स्वान। कहाँ छुपा है भाई महाराजा, वो नजर आया। और ये जो देखने वाले हैं, तो गाइस ये है वो, यहाँ से टिकट लेते हैं हम उस गाड़ी का और वो हमें 75 रुपीज़ लेने के बाद ये बैंड देते हैं जो हमें हाथ पे बांधना होता है। और 80 रुपीज़ है यहाँ का चार्जेस, बड़ों का है 75 रुपीज़। तो ये हमें हाथ पे बांधना होता है तभी हमें गाड़ी वाले बिठाते हैं हमारा ये चेक करके। अगर आपके पास है बैंड नहीं है तो आपको वो गाड़ी में नहीं बिठाएंगे। अब ये हमने परचेज़ किया 75 रुपीज़ का और हम गाड़ी में बैठकर घूम रहे हैं, क्योंकि पैदल चल के घूम तो चिड़ियाघर हमने बहुत बार घूमा हुआ है, लेकिन गाड़ी में बैठकर घूमने का भी एक अलग मज़ा है, मैं वो देखना चाहती थी। अब देखिए कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, कौन कौन से जानवर दिखा रहे हैं। तो यहाँ बर्ड्स हैं पेड़ों पर बैठे हुए, आप देख सकते हैं। और ये बंदर है एक टाइप का जिसके गर्दन में बाल होते हैं, मगर क्या करें यहाँ पे अभी गर्मी है तो बाहर नज़र नहीं आ रही है, अंदर ही अपने कमरों में घरों में घुसे हुए हैं। ये मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए बत्तखें हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये सड़क पे शेर के पंजों के निशान बनाए हुए हैं पैदल पे चलने के लिए। ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये गाड़ियाँ होती हैं आपको आगे ले जाकर उतार देती हैं और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसी गाड़ी में बैठकर घूमना चाहते हैं या फिर इस जगह उतर के, जैसे मैं उतर गई हूँ और अब मुझे यहाँ पे ये जानवर देखना है कि कौन सा जानवर है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी गाड़ी आती है मैं किसी भी गाड़ी में बैठ सकती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने जिस गाड़ी में पहले बैठी थी उसी गाड़ी में मुझे बैठना है, नहीं।
यहाँ पे इन्होंने डेजिनेशन बनाया हुआ है, वो गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, उसमें सवारियों को उतारते हैं और नई सवारियों को चढ़ा लेते हैं। जो लोग बैठना चाहते हैं वो बैठ जाते हैं, जो उतरना चाहते हैं वो उतर जाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको हिरन नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे ब्लैक बक है, फॉरनर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर, ब्लैक बक। तो देख सकते हैं ब्लैक बक के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो गाइस वो सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है, एक ब्लैक बक बहुत दूर बैठा हुआ है, हालांकि मैंने जूम करके दिखाया इसे। ये हिरन ये पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिख रहा है ना वो दूर से। गाइस यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे जगह जगह पर इन्होंने वॉशरूम बनाए हुए हैं और पीने का पानी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप अगर अंदर आते हैं तो आपको पानी इजीली मिल जाता है और जगह जगह रिफ्रेशमेंट की स्टॉल्स भी हैं। ये देखिए लोमड़ी, चालाक लोमड़ी बैठी हुई है। हेलो। और यहाँ इसके अंदर गीदड़ है, गोल्डन गीदड़। ये एक जगह रुक नहीं रहा है, भागे चला जा रहा है इधर से उधर इधर से उधर, बहुत एक्टिव है। और ये आप देख सकते हैं बर्ड्स आ गए, रंग बिरंगे बर्ड्स हैं यहाँ पर, पिकॉक। और ये आप देख सकते हैं मगरमच्छ लेटे हुए हैं आराम से। हेलो। ये एक चला, तो गाइस वो सामने नजर आता हुआ शेर बैठा हुआ है बड़े आराम से छाया में। ये जूम करके दिखाया मैंने। और अब आ जाते हैं हम एलिफेंट की तरफ। और इस तरफ आप देख सकते हैं एलिफेंट। तो ये हाथी, ये देखिए नकली हाथी भी बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा खूबसूरत लग रहा है। और ये पेयर है इनका हाथियों का। इसमें एक हाथी है और एक हथनी, एक मेल एक फीमेल। ये अपनी सूंड से मिट्टी उठा उठा कर अपने ऊपर डाल रही है हथनी। हाथी अपने ऊपर मिट्टी ये
तो देखिए अब हम आए हैं यहाँ पर, वाइट हिरन है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये तो बहुत सारे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं वाइट हिरन। नीचे पानी गिराकर मिट्टी को गीला किया हुआ है ताकि इन्हें ठंडक महसूस हो। ये देखिए वो दूर दूर हैं यहाँ पर जानवर। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से नज़दीक से नज़र आ जाए आपको। चलिए दूसरी चीज़ देखने चलते हैं हम। ये है वाइट टाइगर। तो गाइज ये वही टाइगर है जिसने अभी कुछ सालों पहले एक लड़के को मार दिया था। बेचारा वो गिर गया था नीचे और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ पे पड़ा रहा, 10-15 मिनट तक। देखिए ये है वो शेर जिसने उस इंसान को मार दिया था। इसका बेटा भी है, मैं इसका बेटा भी दिखाऊंगी आपको। बहुत ही बड़ा सा, मोटा सा। इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है क्योंकि ये वही शेर है जिसने कुछ सालों पहले एक लड़का नीचे गिर गया था बाय चांस, और उसको ये चिड़ियाघर वाले बचा नहीं पाए। काफी टाइम तक 15-20 मिनट तक वो गिरा रहा अंदर, एंड में उस बेचारे को मार दिया था शेर ने। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर भी हिरन है बहुत दूर। देखिए वो छाया में अपने शेड में बैठा हुआ है। गाइस ये देखिए हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा। कुछ पानी में है, हे पानी वाले कितने मस्ती में लेटे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा गेंडे की, कोई ऐसा नहीं हो रहा। हेलो मुड़ के तो देख लो, तो ये बर्ड्स हैं। और अब हम दिखाएंगे आपको भालू, बच्चों के पसंदीदा जानवर। गाइस हम अपने बचपन में भी भालू का तमाशा देखा करते थे, गलियों में आते थे लेकर भालू को। तो यहाँ पर पियर है इनका, ये भी आराम से बैठे हुए हैं, लड़ाई कर रहे हैं ये लोग तो आपस में, या मस्ती कर रहे हैं या फिर लड़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ए मिस्टर कहाँ जा रहे हो?
तो गाइस आप देख सकते हैं ये है टाइगर, बहुत प्यारा सा देखने में। वाह, शहंशाह आजम बैठे हुए हैं तख्त ताज पर। एक यहाँ बैठे हैं और एक ऊपर चढ़कर बैठा है। और तीसरा किसी टेंशन में है, घूम रहा है वो। भैया मगरमच्छ दिख रहा है क्या इधर? मगरमच्छ है ऊपर है। काफी रश है चिड़ियाघर में क्योंकि बच्चों की एग्जाम हो चुके हैं और बच्चे आजकल फ्री हैं। हालांकि बहुत गर्मी है यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशली चिड़िया घर आने के लिए सबसे। ये देखिए गाइस, अब मैं वो दिखा रही हूँ उसी टाइगर का, जो शेर था जिसने मर्डर करा था उस इंसान का, उसका बच्चा है ये। ये पानी की होदी के किनारे आके बैठ गया आराम से, बाहर नकली शेर बना हुआ है। शतुरमुर्ग और ये यहाँ पर रिफ्रेश स्टॉल्स हैं, आप यहाँ पर रुक कर खा सकते हैं, पी सकते हैं और अब सारे सामान अवेलेबल हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर कुछ मिलने वाला नहीं है, सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। और रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है गाइस। गेंडा आप देख सकते हैं, ये गेंडे हैं और घास चुगते हुए इन्हें, घास खाते हैं ये। देखिए मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ इसे जूम करके। और इसके बिल्कुल साथ ही दरियाई घोड़े भी हैं, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको एक बार फिर से। ये देखिए ये रहा दरियाई घोड़ा, इसे हिप्पोपोटामस कहते हैं। तो गाइज अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी क्योंकि मैंने सारा आपको चिड़ियाघर घुमा दिया है। और अब उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज मुझे जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो गाइज यही होता है हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का तरीका, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलेगा तो आप देख सकते हैं उन्हें। तो चलिए बाय बाय, रखती हूँ अब मैं, फिर मिलते हैं एक बार फिर नए व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। तो एक बार फिर से कैमरा घुमा के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये यहीं से हमने एंट्री करी थी और यहीं पे एंड ये आ गया। वापिस आना होता है आपको इसी रास्ते से, किसी दूसरे रास्ते से नहीं निकलना होता।